अपहरण सीरीज के बारे में बताइए। अपहरण एक जॉनर ब्रेकिंग थ्रिलर है, ऑल्सो मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री। सेंट्रल कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर, एक्स पुलिस ऑफिसर रुद्र श्रीवास्तव, जो उत्तराखंड में एक जूनियर ऑफिसर था, जिसको एक लड़के की मौत की वजह से, जो उसकी गलती नहीं थी लेकिन वो केस के दौरान कुछ हादसा हो गया था, तो लड़के के बाप ने उस पर सब इल्ज़ाम डाला और उसको जेल भेज दिया। तो अपहरण शुरू होता है वो 3 साल बाद जब जेल से निकलता है। अब पुलिस की नौकरी तो वापस मिलने नहीं वाली और कोई सिक्योरिटी की भी नौकरी नहीं मिलने वाली क्योंकि जेल जा चुका है। उसकी बीवी का अफेयर हो रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत है, वो थोड़ा तो ये सब को कैसे वो फेस करता है और अपनी ज़िंदगी को समेटने में कामयाब होता है नहीं, और उस दौरान उसको एक फेम फटाल मिलती है जिसको एक काम देती है, जो उसके लिए वो उसमें जब फंसता है फिर फंसता ही जाता है। और फिर अब बाकी तो आपको देखना ही पड़ेगा, उसको ज़्यादा नहीं बता सकते। हाउ वाज इट वर्किंग फॉर ऑल्ट बालाजी, एकता कपूर जी के साथ आप सीरीज कर रहे हैं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ऑल द टीम वाज वंडरफुल, द शूटिंग टीम आल्सो एंड द पोस्ट प्रोडक्शन टीम आल्सो, ऑल द दे आर ऑल वेरी वेरी नाइस, दे पुट अप विद मी व्हिच इज ऑलवेज नाइस। या सो कुड यू शेयर एनी मेमोरीज और एनी लाइक ऑन सेट कुछ हुआ मस्ती वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, मैं ज़्यादा मस्ती तो नहीं करता हूँ, काम में ज़्यादा ही चला जाता है। आई हैव रन इनटू मोर बुल्स, यू नो काउज, डूइंग द स्टंट्स फॉर दिस थिंग देन आई थिंक एनीबडी नॉर्मली हैज, बिकॉज आई हैड टू रन अक्रॉस राम झूला कपल ऑफ टाइम्स एंड आई हैव रन इनटू एटलीस्ट 4 बुल्स, बिकॉज द क्राउड यू कांट सी इट एंड यू रन स्ट्रेट इनटू इट एंड देयर नॉट वेरी, या देयर नॉट नाइस। या Thank you. Everyone else was very happy because it was funny, but not funny for me. So that was the X Factor you would like share with the audience. Right? X Factor? No, I'm the X Factor. Running into bulls is an amusing anecdote. Music. Yeah, it's not the X Factor, man. Yeah. Okay. Thank you so much. अपहरण सीरीज के बारे में बताइए और उसमें आप जो किरदार निभा रही हैं उसके बारे में। ये सीरीज एक पुलिस ऑफिसर रुद्र श्रीवास्तव उनकी लाइफ जर्नी पे बेस्ड है, और वो एक बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, और फिर एक हादसा होता है जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ता है। जेल से बाहर निकलने के बाद से कहानी शुरू होती है और उनको कैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, और उनको कोई नौकरी नहीं देता है, और फिर एक अपहरण उनके तरफ आता है, वो अपहरण स्पेशलिस्ट हैं, और फिर उनको एक अपहरण करने के लिए कोई कांटेक्ट करता है, और फिर उसके बाद क्या होता है और उनकी खुद की पर्सनल लाइफ इससे कैसे इफ़ेक्ट होती है। मैं उनकी धर्मपत्नी प्ले कर रही हूँ, रंजना श्रीवास्तव, और उनकी पर्सनल लाइफ उससे कैसे इफ़ेक्ट होती है और रंजना इन सब चीज़ों से कैसे जूझती है, तो हम पूरी सीरीज़ में ये देखेंगे और अपहरण कैसे होता है और फिर अपहरण कैसे ख़राब हो जाता है, फिर क्या होता है। How was it working with Alt Balaji, एकता कपूर जी के साथ काम करते थे? It was great. हमने actually starting level से till the end हम सिर्फ script और जो director ने हमको बोला हम वही कर रहे थे। हम लोगों को कभी भी ऐसा feedback नहीं आया कि नहीं, you know, the producer wants this और ऐसा, तो बिल्कुल एक freedom के साथ काम हुआ जो हमेशा बहुत appreciate करते हैं हम लोग, और इतने अच्छे से शो को प्रमोट कर रहे हैं, तो इट हैज़ बिन रियली प्लेजेंट बिकॉज जिस स्केल पे ऑल्ट बालाजी है और इस तरह का सपोर्ट मिलना, हम सबको बहुत खुशी है इस बारे में। ओके, मेमोरीज यू वुड लाइक टू शेयर ऑन सेट मेमोरीज? ऑन सेट मेमोरीज, मैं ज़्यादातर सेट पे तो अकेले ही थी क्योंकि मेरा कैरेक्टर बहुत अकेलेपन से गुजरता है, तो मैं ज़्यादातर अकेले ही थी, और इवन ऑफ कैमरा भी मैं अकेले ही थी क्योंकि टू जस्ट कीप दैट मूड। मगर मेरी सबसे प्लेजेंट मेमोरी एक्चुअली जगह की थी क्योंकि हमने इसको हरिद्वार और ऋषिकेश में शूट किया है, और ऋषिकेश खासकर मेरे लिए मुझे बहुत पीस मिला उस जगह पे, तो उस जगह की मेमोरीज मेरे पास हैं। ओके, एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? प्लीज़ वॉच आवर वेब सीरीज अपहरण, which is streaming on Alt Balaji from the 14th of December. It is a 12 episode series and it is about a kidnapping that goes wrong, and there's
a lot to look forward to. So I would request you all to watch it. Thank you. किरदार के बारे में बताइए, अपहरण में आपका किरदार, उसका नाम क्या है और उसको निभाने में आपको कैसा एक्सपीरियंस है? मेरे किरदार का नाम अनुषा है, वो 19 साल की लड़की है जो पिछले 19 साल से, मतलब जब से वो पैदा हुई है तब से अपने घर के अंदर हाउस अरेस्ट पर है, और फिर उसकी जर्नी है कि कैसे वो घर से भागती है और आगे तो आप देख ही लेंगे. अच्छा अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत बहुत ज़रूरी, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल माई डायरेक्टर, ही हैज़ हेल्प मी अ लॉट. आई थॉट आई शुड मैंशन दिस, क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा करती हूँ लेकिन ऐसा नहीं था. एंड देन अरुणोदय, ही वॉज देयर टू गिव मी क्यूज एंड ही वॉज देयर टू मोटिवेट मी एवरी सिंगल टाइम आई वॉज देयर. एंड निधि, शी यूज टू कॉल मी फॉर डिनर एवरी नाइट, एंड आई, इवन दो आई वॉज नॉट शूटिंग विद हर, आई रियली जेल्ड अप विद हर. एनी ऑन शूट लोकेशन मेमोरीज? या ऋषिकेश वॉज फन. ऋषिकेश में हमने बहुत मज़े किए, और मेरे जितने फ्री डेट्स होते थे तो मैं मसाज कराती थी और घूमने जाती थी, तो बहुत मज़ा आया. एनी रिस्पॉन्स फॉर द ऑडियंस? ऑडियंस को ये कहूँगी कि सबने बहुत मेहनत किया है और हमने बहुत हार्डवर्क किया है, खून पसीना आंसू सब निकला है, तो प्लीज़ देखो और डोंट बी वेरी जजमेंटल एंड गिव अस ऑल प्रेजेस. थैंक यू. थैंक यू. आप किरदार के बारे में बताइए. जो मैं रोल निभा रही हूँ उसका नाम मधु है, जो बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, और जो मिस्ट्री है वो इसी से शुरू होती है और इसी पर ख़त्म होती है. ज़्यादा नहीं बता सकती बिकॉज ये थ्रिलर है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा मधु बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है. ओके. एनी ऑन शूट लोकेशन मेमोरीज? आई ऑलवेज इन्जॉय माई शूज, चाहे वो वेब सीरीज़ हों या फिल्म हों, लेकिन मैंने काफ़ी इन्जॉय किया इस बार करने में. आई थिंक एक तो जो लिखा हुआ है ये वेब सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं लिखी इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, और इसके जो डायलॉग्स मुझे बोलने में ऑन जब हम शूट कर रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही कमाल का इन्होंने डायरेक्ट किया सिद्धार्थ ने, एंड सो ऑन लोकेशन में जो वैसे ही मज़ा आता है शूट करके. Okay. Any message or any response from the audience? Any message for the audience to watch your series? Yeah, I think सबसे पहले तो मेरी पहली वेब सीरीज है, तो प्लीज़ देखिएगा. एंड सेकेंडली ये बहुत ही मिस्टीरियस, इसमें बहुत सारा थ्रिल है, कॉमेडी है, और बहुत ही कम होता है, रेयर होता है दैट यू नो यू हैव अ मिक्सचर ऑफ कॉमेडी एंड थ्रिल. तो इसमें थ्रिल और कॉमेडी और वो पूरा 70s का मसाला मिलेगा, और बहुत ही कमाल का डायरेक्शन है. वन लाइनर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो वरुण ने लिखी हैं, एंड अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ रहा है जो कि ऑल्ट बालाजी है, तो 14 दिसंबर को ऑल्ट बालाजी पर ज़रूर देखिएगा अपहरण. थैंक यू. थैंक यू. ऐसे और बॉलीवुड के अपडेट्स के लिए देखते रहिए चिलैक्स.